नूरे हक सम में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। क्योंकि भय भ्रष्टाचार से हो मुक्त समाज, शोषण जुर्म का मिटे रिवाज, हो गरीबों का ही साम्राज्य, जनता का हो अपना राज्य, अपना राज्य। ग्राम कचहरी भोगांव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 से सरपंच पद की कर्मठ संघर्षशील समाज सेवी शिक्षित महिला उम्मीदवार नूर जहान जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप, जो बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है, बल्ब छाप पर मुहर लगाकर नूर जहान को भारी मतों से विजयी बनावे। अधिकार मिली सबके खुशहाल रहेगा। जी हां मतदाता बहनों और भाइयों, नूर जहान जो कि मोहम्मद नईम उद्दीन जी की धर्म पत्नी है और आप जनता की जन अदालत में बल्ब छाप चुनाव चिन्ह लेकर आपसे आशीर्वाद मांगने, आपकी दुआ पाने चुनाव के जंगे मैदान में आ डटी हैं। नूर जहान और इनका ही चुनाव चिन्ह है अंधेरों में रोशनी फैलाने वाला बल्ब छाप, जो बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है। बल्ब छाप पर मुहर लगाकर अपार मतों से नूर जहान को विजयी बनावे। नूर जहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कचहरी भोगांव क्षेत्र संख्या 24 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कचहरी भोगांव क्षेत्र संख्या 24 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर जहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्ब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्ब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद नईम उद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, आपके बल्ब निशान पे मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब के शान पे मोहर लगैयो हो। भाई जुल्म और अन्याय के खिलाफ कौन उठाएगी आवाज, और जब रहनुमा ना होगी नूर जहान जैसी तो कैसा होगा हमारा समाज। मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब निशान पे मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब के शान पे मोहर लगैयो हो। जी हाँ ग्राम कचहरी भोगांव के न्यायप्रिय मतदाताओं, 5 वर्षों के बाद फिर हमारा समाज चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। हमारे भारतीय संविधान ने हमें एक मौका दिया है, हमें एक सुयोग्य प्रतिनिधि को समाज निर्माण का दायित्व सौंपे, जिनमें जीवन को समझने की अचूक दृष्टि हो, गरीबों अपेक्षितों पीड़ितों के प्रति गहरी आत्मीयता हो, अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा हो, हर वर्ग के प्रति समता का भाव हो, विचारों में न्याय का समावेश हो, और अपने पंचायत भोगांव के तमाम लोगों के विचार धाराओं के अनुकूल अपने संकल्पों के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाली सरपंच पद की प्रत्याशी है नूर जहान, जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। अपने पंचायत में न्याय की कुर्सी पर नूर जहान को बैठाएं और बल्ब छाप पर मोहर लगाकर इंसाफ के तराजू की हिफाजत करें। बैलेट पेपर के 4 नंबर पे हो, आपकी सब कोई मोहर लगा दिया हो, आपकी सब कोई मोहर लगा दिया हो। कहा गया है कि घरों के झगड़े आपस के विवाद आपस में ही निपट जाए तो अच्छा है, इसके लिए सच्चे और अच्छे प्रत्याशी का इस बार चयन करते हैं और बल्ब छाप पर मुहर लगाकर नूर जहान को अपना सरपंच बनाते हैं। उन्हीं के सरपंच चुने आमा जी, चुनाव चिन्ह मिलल बाटे बल्ब छप निशान।
सरपंच, न्याय, सुरक्षा, शांति, निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है और इस बात की परिकल्पना करता है कि न्याय की पहुंच में समानता की जो संभावना है उसे समाप्त किया जाए। सुरक्षा, न्याय और शांति, ग्राम कचहरी भोगांव, क्षेत्र संख्या 24 की ग्राम वासियों की मांगे हैं। जहां सुरक्षा है वही विकास है। न्याय सामाजिक सुरक्षा की छतरी है। अगर यह छतरी समरूप आच्छादित हो तो कहीं भी असंतोष नहीं होगी और गांव में शांति की परिकल्पना की जा सकती है। मैं पंचायत वासियों को वचन देती हूँ कि कलम की ताकत से सुरक्षा, न्याय और शांति कायम रखने के लिए सदा अथक प्रयास करती रहूँगी। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ती रहूँगी। आपका एक वोट आपके भविष्य का निर्माता है। अपने हाथ से अपना तकदीर लिखने का मौका 5 साल बाद आया है। इस पूंजी से आप अपने सुरक्षा, न्याय, शांति एवं खुशहाल जिंदगी की नींव डाल सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 को लोगों को ऐसा करने के लिए समर्थ बनाता है। इसलिए निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। पंचायती राज की क्या पहचान? सभी को मिले मान सम्मान। न्याय की होगी नई कहानी। दूध का दूध, पानी का पानी। शिक्षित करो ठबाड़े नेक ईमानदार हो। पूछते रहे ले हो माने के समाचार। शिक्षित करो ठबाड़े नेक ईमानदार हो। पूछते रहे ले हो माने के समाचार हो। सुख दुख में हो खेले तो आइए मतदाता बहनों और भाइयों, इस बार चूकना नहीं है। बल्ब छाप पर मुहर लगाकर न्याय की मूर्ति, इंसाफ की देवी नूर जहान को भारी मतों से बल्ब छाप पर मुहर लगाकर इन्हें विजयी बनाना है। बल्ब छप निशाने ओही पर मुहर लगाइया मां जी। मत जाइए जाति धर्म के नाम पर, मत जाइए ऊंच नीच के भेदभाव पर, बल्कि हर किसी के सपने को जो पूरा कर सके उनके ही साथ हो जाइए। और इसलिए नूर जहान हर काम मुकम्मल तरीके से करेंगी। भाग से भेटाए लबाड़े ऐसन पर तियासी, जानल पहचानल बाड़े सबसे विश्वासी। ए चाची विश्वास करे। भाग से भेटाइल बाड़े ऐसन पर तियासी, जानल पहचानल बाड़े सबसे विश्वासी। सबका से कोरे ले गोहरिया गोवा में घूमी घूमी आमा जी। सबका से कोरे ले गोहरिया गोवा में घूमी घूमी आमा जी। इसलिए बल्ब छाप के आगे आपकी दुआ चाहिए। तो याद रखेंगे मतदाता बहनों और भाइयों, आपका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। माता बहनों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। छात्र नौजवानों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। किसान मजदूर भाइयों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। नूर जहान का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। मोहम्मद नईम उद्दीन का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। बल्ब छाप पर ही मुहर लगाना है। इस बार ग्राम कचहरी भोगांव में अपना सरपंच नूर जहान को ही बनाना है। इन्हीं से खुश होए लोगावा पंचायत सुंदर बनिया मां जी। इन्हीं से खुश होए लोगावा पंचायत सुंदर बनिया मां जी। ग्राम कचहरी भोगांव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 से सरपंच पद की कर्मठ, संघर्षशील, समाज सेवी, शिक्षित महिला उम्मीदवार नूर जहान। नूर जहान, नूर जहान, जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप, जो बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है, बल्ब छाप पर मुहर लगाकर नूर जहान को भारी मतों से विजयी बनावे। अधिकार मिली सबके, खुशहाल रहेगा। जी हाँ मतदाता बहनों और भाइयों,
नूर जहान जो कि मोहम्मद नईम उद्दीन जी की धर्म पत्नी है और आप जनता की जन अदालत में बल्ब छाप चुनाव चिन्ह लेकर आपसे आशीर्वाद मांगने आपकी दुआ पाने चुनाव के जंगे मैदान में आ डटी हैं। नूर जहान और इनका ही चुनाव चिन्ह है अंधेरों में रोशनी फैलाने वाला बल्ब छाप जो बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है। बल्ब छाप पर मुहर लगाकर अपार मतों से नूर जहान को विजयी बना दें। नूर जहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कचहरी भोगांव क्षेत्र संख्या 24 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कचहरी भोगांव क्षेत्र संख्या 24 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर जहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्ब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्ब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद नईम उद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, आपके बल्ब निशान पे मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब के शान पे मोहर लगैयो हो। भाई जुल्म और अन्याय के खिलाफ कौन उठाएगी आवाज, और जब रहनुमा ना होगी नूर जहान जैसी तो कैसा होगा हमारा समाज। मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, मोहर लगैयो हो भैया मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब निशान पे मोहर लगैयो हो, आपकी बल्ब के शान पे मोहर लगैयो हो। जी हाँ, ग्राम कचहरी भोगांव के न्यायप्रिय मतदाताओं, 5 वर्षों के बाद फिर हमारा समाज चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। हमारे भारतीय संविधान ने हमें एक मौका दिया है, हमें एक सुयोग्य प्रतिनिधि को समाज निर्माण का दायित्व सौंपे, जिनमें जीवन को समझने की अचूक दृष्टि हो, गरीबों अपेक्षितों पीड़ितों के प्रति गहरी आत्मीयता हो, अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा हो, हर वर्ग के प्रति समता का भाव हो, विचारों में न्याय का समावेश हो, और अपने पंचायत भोगांव के तमाम लोगों के विचार धाराओं के अनुकूल अपने संकल्पों के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाली सरपंच पद की प्रत्याशी है नूर जहान, जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। अपने पंचायत में न्याय की कुर्सी पर नूर जहान को बैठाएं और बल्ब छाप पर मोहर लगाकर इंसाफ के तराजू की हिफाजत करें। बैलेट पेपर के 4 नंबर पे हो, आपकी सब कोई मोहर लगा दिया हो, आपकी सब कोई मोहर लगा दिया हो। कहा गया है कि घरों के झगड़े आपस के विवाद आपस में ही निपट जाए तो अच्छा है, इसके लिए सच्चे और अच्छे प्रत्याशी का इस बार चयन करते हैं और बल्ब छाप पर मुहर लगाकर नूर जहान को अपना सरपंच बनाते हैं। उन्हीं के सरपंच चुने आमा जी, चुनाव चिन्ह मिलल बाटे, बल्ब छाप निकाले वही पर मुहर लगाए आमा जी, चुनाव चिन्ह मिलल बाटे। एक सरपंच, न्याय, सुरक्षा, शांति, निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है और इस बात की परिकल्पना करता है कि न्याय की पहुंच में समानता की जो संभावना है उसे समाप्त किया जाए। सुरक्षा, न्याय और शांति, ग्राम कचहरी भोगांव क्षेत्र संख्या 24 की ग्राम वासियों की मांगे हैं। जहां सुरक्षा है वही विकास है, न्याय सामाजिक सुरक्षा की छतरी है। अगर यह छतरी समरूप आच्छादित हो तो कहीं भी
भी असंतोष नहीं होगी और गांव में शांति की परिकल्पना की जा सकती है। मैं पंचायत वासियों को वचन देती हूँ कि कलम की ताकत से सुरक्षा, न्याय और शांति कायम रखने के लिए सदा अथक प्रयास करती रहूँगी। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ती रहूँगी। आपका एक वोट आपके भविष्य का निर्माता है। अपने हाथ से अपना तकदीर लिखने का मौका 5 साल बाद आया है। इस पूंजी से आप अपने सुरक्षा, न्याय, शांति एवं खुशहाल जिंदगी की नींव डाल सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 को लोगों को ऐसा करने के लिए समर्थ बनाता है। इसलिए निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। पंचायती राज की क्या पहचान? सभी को मिले मान सम्मान। न्याय की होगी नई कहानी। दूध का दूध, पानी का पानी। शिक्षित करो ठबाड़े नेक ईमानदार हो, पूछते रहे ले हो माने के समाचार। शिक्षित करो ठबाड़े नेक ईमानदार हो, पूछते रहे ले हो माने के समाचार। सुख दुख में हो खेल तो आइए मतदाता बहनों और भाइयों, इस बार चूकना नहीं है। बल्ब छाप पर मुहर लगाकर न्याय की मूर्ति, इंसाफ की देवी नूर जहान को भारी मतों से बल्ब छाप पर मुहर लगाकर इन्हें विजयी बनाना है। बल्ब छप निशाने ओही पर मुहर लगाई आमा जी। मत जाइए जाति धर्म के नाम पर, मत जाइए ऊंच नीच के भेदभाव पर, बल्कि हर किसी के सपने को जो पूरा कर सके उनके ही साथ हो जाइए। और इसलिए नूर जहान हर काम मुकम्मल तरीके से करेंगी। भाग से भेटाए लबाड़े ऐसन पर तियासी, जानल पहचानल बाड़े सबसे विश्वासी। ए चाची विश्वास करे। भाग से भेटाइल बाड़े ऐसन पर तियासी, जानल पहचानल बाड़े सबसे विश्वासी। सबका से कोरे ले गोहरिया गोवा में घूमी घूमी आमा जी। सबका से कोरे ले गोहरिया गोवा में घूमी घूमी आमा जी। इसलिए बल्ब छाप के आगे आपकी दुआ चाहिए। तो याद रखेंगे मतदाता बहनों और भाइयों, आपका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। माता बहनों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। छात्र नौजवानों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। किसान मजदूर भाइयों का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। नूर जहान का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। मोहम्मद नईम उद्दीन का चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। बल्ब छाप पर ही मुहर लगाना है। इस बार ग्राम कचहरी भोगांव में अपना सरपंच नूर जहान को ही बनाना है। नहीं से खुश होए